कोरोना वैक्सीनेशन की कमी के बीच में सीरम ने एक बड़ी राहत की खबर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ वैक्सीन देने का दावा किया है। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर विपक्ष के निशाने पर आए मोदी सरकार की टेंशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने थोड़ी कम कर दी है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को SII ने एक पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने कहा है, महामारी की वजह से खड़ी हुई चुनौतियों के बावजूद उनके कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हम जून के महीने में कोविशील्ड टीके की 9 से 10 करोड़ डोज का उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। यह मई में हमारी उत्पादन क्षमता 6.5 करोड़ डोज की तुलना में अधिक है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भारत सरकार के समर्थन और आपके मार्गदर्शन में हम आने वाले महीनों में भी टीका उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मई की शुरुआत में पुणे की कंपनी ने केंद्र को बताया था कि वह जून में कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाकर 6.5 करोड़, जुलाई में 7 करोड़ और अगस्त और सितंबर में 10-10 करोड़ कर देगी। भारत में अभी वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।